दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय अमन भला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पठानकोट। उपमंडल के हरसर भरमौर मार्ग पर रविवार शाम बोलेरो वाहन के गहरे नाले में जा गिरने से इसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। वाहन में कुल तीन लोग सवार थे। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को भरमौर में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना में मारे गए लोगों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जाँच आरम्भ कर दी है। जानकारी के अनुसार बलमुई से हरसर की ओर आ रहा बोलेरो वाहन दराटी पुल के समीप अचानक अनियंत्रित होकर गहरे नाले में जा गिरा। चालक राकेश कुमार और अश्विनी कुमार दोनों वासी गांव हरसर की मौके पर ही मौत हो गई। घायल की पहचान अनिल कुमार वासी गांव सेरी के तौर पर हुई है। उधर एसपी चंबा अभिषेक यादव ने दो लोगों की मौत और एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि की है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए भरमौर से अजय शर्मा की रिपोर्ट। वादा किया वादा निभाया, 14 महीने में 5 गारंटियां पूरी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू, युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू। दूध पर MSP देने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर खरीदेगी हिमाचल सरकार। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, 18 साल से ऊपर सभी पात्र बहनों और माताओं को 1500 रुपए मिलेंगे प्रति माह। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरी की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, MSP दिया गया। यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे। हिमाचल सरकार का है वादा।